तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV4 फजांस रूल। तो चलिए फजांस रूल को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जिस प्रकार से सभी कोवेलेंट बॉन्ड्स में कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर होता है, इसी तरह से सभी आयनिक बॉन्ड्स में कुछ ना कुछ कोवेलेंट करेक्टर होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने दो डिफरेंट आयन्स लिए हैं, एक है कैटायन दूसरा है एनायन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कैटायन है उसका साइज छोटा है और जो एनायन है उसका साइज बड़ा है। जो एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन। और जब ये कैटायन इस एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा तो वो कुछ इस प्रकार से डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कैटायन है वो पोलराइज करता है एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो अब हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दी फजांस रूल जो कैटायन होते हैं वो एनायंस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, या इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो कैटायंस होते हैं उनके पास पोलराइजेशन की पावर होती है जिसकी वजह से वो एनायंस को पोलराइज करते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए फजांस ने अपने कुछ रूल्स दिए थे। तो चलिए देखते हैं क्या है वो रूल्स। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने लीथियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया है, जिसमें लीथियम ने क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टर्ब किया है। और दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है सोडियम क्लोराइड, जिसमें Na+ ने Cl- की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टर्ब किया है। और फजांस ने डिफरेंट कैटायंस के रिगार्डिंग एक रूल दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो किसी भी कैटायन की पोलराइजेशन पावर होती है वो उसके साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैटायन का साइज ज़्यादा होगा तो उसकी पोलराइजेशन पावर कम होगी, और अगर कैटायन का साइज कम होगा तो उसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी। तो अब हम इन दोनों एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि एनायन तो सेम है, बट कैटायंस जो कि एक Li पॉजिटिव है यानी कि लीथियम पॉजिटिव और दूसरा सोडियम पॉजिटिव है, लीथियम पॉजिटिव का साइज छोटा है जबकि सोडियम पॉजिटिव का साइज बड़ा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि Li पॉजिटिव की पोलराइजेशन पावर Na पॉजिटिव की पोलराइजेशन पावर से ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन पावर होती है उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कोवेलेंट करेक्टर फॉर्म होने के। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लिथियम क्लोराइड में ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड। तो इस रूल को हम कुछ इस प्रकार से समराइज कर सकते हैं, द स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन एंड लार्जर द साइज ऑफ द एनायन द ग्रेटर द कोवेलेंट करेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंपाउंड में कैटायन का साइज छोटा है और एनायन का साइज काफ़ी बड़ा है तो उस आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। चलिए फजांस का एक और रूल समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है सोडियम आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड का। इस बार हमने कैटायन सेम लिया है जबकि एनायंस डिफरेंट लिए हैं। हम देख सकते हैं कि क्लोराइड आयन का साइज छोटा होता है जबकि आयोडाइड आयन का साइज बड़ा होता है। फजान ने एनायंस के साइज के रिगार्डिंग भी एक रूल दिया। उन्होंने बताया कि साइज ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोलराइजेशन। इसका मतलब यह है कि एनायन का साइज जितना बड़ा होगा वो उतना ही ईजिली पोलराइज हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इन दोनों ही आयनिक कंपाउंड्स में कंपेयर कर सकते हैं कि जो सोडियम आयोडाइड है यहाँ पर सोडियम प्लस आयन आयोडाइड आयन को ज़्यादा पोलराइज करेगा एज कम्पेयर टू NaCl के केस में। और ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होता है उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर होता है। तो यहाँ पर हम ईजिली कह सकते हैं कि जो Na I होगा वो ज़्यादा कोवेलेंट होगा एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड के। और स्टूडेंट्स ये तो हम जानते ही हैं कि अगर कैटायन छोटा हो और एनायन बड़ा हो तो उस केस में कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम एक बात ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन द कैटायन और एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट करेक्टर।
तो स्टूडेंट्स ये था फजान का सेकंड रूल। इसके बाद फजान ने एक और रूल दिया जिसमें उन्होंने कहा कि चार्ज ऑन द कैटायन और एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर। इसका मीनिंग ये है कि किसी कैटायन पर और एनायन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। फजान ने यह भी बताया कि ऐसे कैटायन जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह होता है वो ऐसे कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं जिनमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल Na+, तो Na+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2 और 8, जो कि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि Na+ ऐसे कंपाउंड्स फॉर्म करेगा जिनमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ऑन दी अदर हैंड ऐसे कैटायंस जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह होता है वो ऐसे कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं जिनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल Cu पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 18, जो कि एक सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसीलिए Cu+ ऐसे कंपाउंड्स फॉर्म करता है जिनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए कॉपर 1 क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, तो CuCl में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, ऑन दी अदर हैंड NaCl में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है।